नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हम भारत के भूआकृतिक देशों की चर्चा कर रहे हैं और भारत के भूआकृतिक देशों के अंदर हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के साथ साथ में हमने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा। उत्तर के विशाल मैदान के साथ साथ में हमने प्रायद्वीप की पठारी भाग के बारे में पढ़ा और प्रायद्वीप की पठारी भाग के बाद हमने भारत के पश्चिमी भाग में फैले हुए मरुस्थलीय भाग के बारे में। तो भारत के जो मेन भूआकृतिक देश थे उनमें से कुछ के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, वो भी भारत के भूआकृतिक प्रदेश से संबंधित है और उसमें भी हमने भारत के ऐसे भूआकृतिक प्रदेश का आज के वीडियो के लिए चयन किया है जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, परिवहन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तो बच्चों, चर्चा कर रहे हैं, आज चर्चा का जो विषय है वो है भारत का समुद्र तटीय मैदानी भाग। समुद्र तटीय मैदानी भाग, ये भारत का भूआकृतिक प्रदेश है जिसकी आज हम क्या करने वाले, चर्चा करने वाले, भारत का समुद्र तटीय मैदानी भाग, इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखो बच्चों, जब हम आपको भारत का परिचय बता रहे थे और जब हमने आपको भारत की सीमाओं के बारे में बताया तो हमने आपको भारत की एक स्थलीय सीमा बताई थी और दूसरी भारत की सामुद्रिक या जलीय सीमा बताई। स्थलीय सीमा का इस टॉपिक में कोई अर्थ नहीं है या कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो दूसरी सीमा थी जलीय सीमा या सामुद्रिक सीमा, उसका प्रत्यक्ष संबंध किस भूआकृतिक प्रदेश से है, इससे समुद्र तटीय मैदानी भाग। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, तटीय मैदान किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। तटीय मैदान, देखो मैदान एक शब्द है, मैदान का मतलब होता है समतल भूमि वाला क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। जो बिल्कुल लगभग समतल वाला क्षेत्र, समतल मैदानी भूभाग है जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर से कम है, नीचे है, वो किसमें शामिल किया जाता है, मैदानी भाग में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शब्द दूसरा जुड़ा हुआ है, तटीय मैदान, यानी मैदान तो बना है लेकिन तट के सहारे, तट का मतलब किनारे के सहारे, तो किसके किनारे, समुद्र के किनारे के सहारे। तो समुद्र के किनारे के सहारे जो मैदान मिलते हैं उन्हीं को बच्चों क्या कहा गया, समुद्र तटीय मैदानी भाग। अब आगे बात यह आती है कि भारत में समुद्र तटीय मैदानी भाग कहां देखने को मिलते, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहां पर समुद्र तटीय स्थिति देखने को मिलती है। तो यदि आपने पहले वाला जो वीडियो था भारत का परिचय वाला उसको ढंग से सुना है, ढंग से देखा है, तो आपको जरूर पता होगा कि भारत के कौन से भाग में सामुद्रिक स्थिति देखने को मिलती है, सामुद्रिक सीमाएं देखने को मिलती है। चलो खैर कोई बात नहीं, आज हम फिर एक बार चर्चा करते हैं कहां देखने को मिलती है। देखो भारत का दक्षिणी भाग है, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि भारत के दक्षिणी भाग में विशेष रूप से समुद्र तटीय सीमाएं देखने को मिलती है। ये भारत का दक्षिणी भाग, इसमें क्या देखने को मिलती है, समुद्र तटीय स्थिति देखने को मिलती है। हमने चर्चा की थी कि भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है मुख्य भूमि की तो कितनी है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, और टोटल यदि हम माने तो 7512 किलोमीटर। तो वो कहां फैली हुई है, इस भाग के सहारे सारे, यहां पे क्या है, अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर इधर की ओर अरब सागर है और यहां क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है, समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण किया गया, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर की ओर भी समुद्र तटीय मैदानी भाग है और इधर की ओर भी समुद्र तटीय मैदानी भाग। अब हम सारांश में ये देख के चलते कहां कहां समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला, भारत के कौन कौन से राज्यों के सहारे समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला। ध्यान दीजिए बच्चों, ये गुजरात हो गया, गुजरात, यहाँ पे क्या आ गया, महाराष्ट्र आ गया, क्या आ गया, महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र नीचे आप देखिए कौन सा आ गया, कर्नाटक आ गया, क्या आ गया, कर्नाटक, यहाँ
छोटा सा राज्य कौन सा आ गया? गोवा आ गया, क्या आ गया? गोवा। उसके बाद में कौन सा आ गया? केरल आ गया। और केरल के बाद में यहाँ कौन सा आ गया? तमिलनाडु आ गया। कौन सा आ गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में कौन सा आ गया? आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ कौन सा आ गया? तेलंगाना वाला भाग आ जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे कौन सा आ जाता है? उड़ीसा वाला भाग आ जाता है। और उड़ीसा के बाद में कौन सा आता है? पश्चिमी बंगाल वाला भाग है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे राज्य है जहां भारत की समुद्र तटीय सीमा देखने को मिलती है। और इन राज्यों के सहारे समुद्र तटीय मैदानी भागों का विस्तार भी देखने को ठीक है। क्लियर? आप देखो दो चीजें होंगी आपके सामने, एक तो इधर की ओर फैला हुआ भाग, यानी ये भारत का कौन सा भाग है? पश्चिम की ओर। और दूसरा कौन सा हो गया? इधर की ओर, यानी कौन सा भाग? पूर्व की ओर। तो दो भाग मैंने अभी राज्यों की स्थिति आपको बताई थी। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है उसके सहारे जो समुद्र तटीय मैदानी भाग बना है उसको कहा जाता है पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। क्या कहलाता है? जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान इधर की ओर है और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान इधर की ओर। तो पश्चिम की ओर तो कौन सा है? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। और पूर्व की ओर कौन सा है? पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। तो भारत में जो समुद्र तटीय मैदानी भाग है जो वो दो भागों में बांटे गए, कौन कौन सा? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और दूसरा कौन सा? पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। दो भागों में हम चर्चा कर रहे हैं डिग्री। तो भारतीय मैदान भागों को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भागों को और दूसरा कौन सा? पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। दो भागों में। अभी जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग है गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा और केरल के सहारे फैला हुआ है। हमने आपको मैप में थोड़ी देर पहले राज्य बताए थे। तो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान कहाँ कहाँ फैला होता है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल। इन राज्यों के सहारे पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भागों की स्थिति देखने को मिलती है। हम जब भारत का प्रायद्वीप पठारी भाग पढ़ रहे थे तो वहां हमने आपको चीज बताई थी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, सुना होगा आपने ना? तो ध्यान देना उस पश्चिमी घाट से लेकर समुद्र के बीच में जो क्षेत्र बना है, जो नई भूमि बनी है वो पश्चिमी समुद्र तट के मैदान कहलाता है। और जो पूर्वी घाट और समुद्र के बीच में जो भाग पाया जाता है उसको पूर्वी समुद्र तटीय भाग कहा जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब ये पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग है, यहाँ क्या पाया जाता है? पश्चिमी घाट मिलता है। पश्चिमी घाट मिलने के कारण यहाँ पर तट की चौड़ाई कम है, समुद्र तट की जो मैदानी भाग उसकी चौड़ाई क्या है? कम है। लेकिन पूर्वी भाग जो है वहां पर ऐसी कोई पहाड़ी नहीं मिलती जैसी पश्चिमी घाट की मिलती, छिन्न विच्छिन्न पहाड़ियां मिलती है वहां। तो वहां पर समुद्र तटीय मैदानी भागों की चौड़ाई क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। तो पूर्वी समुद्र तटीय जो मैदानी भाग है वो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भागों की तुलना में अधिक छोटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उनके किनारे ज्यादा विकसित हमें देखने को मिलते हैं। आप देखो बच्चों आगे जाके क्या किया गया, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग को और पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। ये पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग इसका प्रारंभ यहां से होता है। द्वारिका का नाम आपने सुना होगा, द्वारिका भारत का एक प्रमुख धार्मिक नगर रहा है और अभी भी है। लेकिन वास्तविक रूप से जो पहले द्वारिका था वो समुद्र के नीचे समा है, डूब गया है। अब उसकी जगह दूसरा द्वारिका स्थापित है, पुराना वाला द्वारिका नहीं है क्योंकि वो तो समुद्र के नीचे समा गया। तो द्वारिका से पश्चिमी समुद्र तटीय भाग क्या होता है? प्रारंभ होता है। पश्चिमी समुद्र तटीय भाग कहां से प्रारंभ होता है? द्वारिका से प्रारंभ होता है। तो यहां इस द्वारिका वाले भाग से कहां तक मिलता है? कन्याकुमारी तक मिलता है। कहां तक मिलता है? कन्याकुमारी। तो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग का जो विस्तार है पश्चिम में गुजरात के द्वारिका से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ मिलता है। हालांकि देखो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, ठीक है? तो इसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। हम चर्चा करते हैं। पहला आता है काठियावाड़ तट। क्या आता है? काठियावाड़ तट। ध्यान देने वाली बात है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि काठियावाड़ तट कहां से कहां तक फैला है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पूरा द्वारिका जो कच्छ की खाड़ी वाला भाग है वहां से लेके यहां गुजरात की सीमा के सहारे
जो समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है उसको काठियावाड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट, द्वारिका, कच्छ की खाड़ी और उसके बाद